ऑक्शन के बाद अंबानी ने रोहित के साथ की गंदी हरकत, अब वो टीम में सिर्फ पानी पिलाएगा। इस बयान से सभी टीमों में एमआई की हो रही है थू। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से आकाश अंबानी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दे दिया है, और इस बयान के बाद यहाँ पर सभी टीम और सभी खिलाड़ी उनकी थू कर रहे हैं और एमआई का असली चेहरा बाहर आ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तारीख थी 19 दिसंबर, 19 दिसंबर को ऑक्शन हुआ, लेकिन ऑक्शन के दौरान जहां सभी लोग महंगे खिलाड़ियों पर बात कर रहे थे, सस्ते खिलाड़ियों पर बात कर रहे थे, पर उसी दौरान इस ऑक्शन में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने मुंबई का असली चेहरा दिखा दिया। दरअसल दोस्तों इस बार का ऑक्शन थोड़ा सा नया था। इस बार के ऑक्शन से बात करें उससे पहले एक आपको वाक्य बता देते हैं। दरअसल आज से कुछ महीनों पहले हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटन्स की टीम ने रिलीज किया, और उसके तुरंत बाद हार्दिक पांड्या आ गए मुंबई इंडियंस की टीम में। और आज से करीब 4-5 दिन पहले, यानी करीब दोस्तों 15 दिसंबर को एक बड़ा ऐलान होता है, एक ऐसा ऐलान जिसने क्रिकेट जगत तो छोड़िए स्पोर्ट्स जगत के सभी बड़े प्रारूपों को हिलाकर रख दिया। वो ऐलान था दोस्तों हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना। जी हां, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाना रोहित शर्मा के रहते हुए, यानी अब रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों इस ऐलान तक तो ठीक था, लेकिन आकाश अंबानी ने ऑक्शन के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे सीधे सीधे रोहित शर्मा की बेइज्जती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि इस बार का ऑक्शन थोड़ा सा अलग था। हर बार का ऑक्शन क्या होता था, वो होता था तो वहां पर दर्शक मौजूद नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार ऑक्शन विदेश में हो रहा था। पहली बार भारत से बाहर ऑक्शन हुआ, और इस बार ऑक्शन हुआ दुबई में। दुबई में हुआ, और एक अनोखी चीज देखने को यह मिली कि इस बार दर्शकों को भी अलाउ किया गया। लगभग 100-200 दर्शक मौजूद थे जो कि अपने फेवरेट टीम के लिए चीयर अप कर रहे थे, और उसी दौरान दर्शक दीर्घा में एक दर्शक बैठा था और वो पूरा मुंबई का फैन लग रहा था, खासकर रोहित शर्मा का फैन लग रहा था। शायद उसे इस बात का काफी दुख भी हो कि हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना दिया गया है रोहित शर्मा को हटाकर। अब इस बात को लेकर उसने डायरेक्ट आकाश अंबानी से सवाल कर लिया कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों रोहित शर्मा के होते हुए हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। अब इस सवाल के बाद दोस्तों आकाश अंबानी का जवाब सुनिए, यह जवाब आपको चौंका देगा। आकाश अंबानी ने कहा कि चिंता मत करिए, वो बैटिंग करेंगे, यानी दुनिया के सबसे फियरलेस टी20 बल्लेबाज को अगर आप बल्लेबाजी करा रहे हो उसके बाद भी एहसान जता रहे हो, ऐसा लग रहा था आकाश अंबानी के बयान से। इसके बाद दोस्तों हर तरफ आकाश अंबानी और मुंबई इंडियंस की थू हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वो यहां पर टीम इंडिया के कप्तान है, और जब कप्तानी पर सवाल पूछा जा रहा है तो आप यह दिलासा देते फिर रहे हो कि चिंता मत करिए वो बैटिंग करेंगे। अरे भाई, बैटिंग तो रोहित शर्मा करेंगे ही करेंगे, चाहे मुंबई में रहे चाहे किसी और टीम में रहे, लेकिन अगर आप ऐसी बयान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो तो ये वर्ल्ड क्लास भारत के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के लिए अच्छी बात नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा को कप्तान बना के रखना चाहिए था, या उन्हें हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तानी देना सही फैसला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।